हेलो स्टूडेंट्स, SSDN प्रोजेक्ट्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम टूल देख रहे हैं इसे बोलते हैं मोर्टाइज गेज। इसके पहले मार्किंग गेज का डिस्क्रिप्शन आप ऑलरेडी हमारे पुराने वीडियोस में देख चुके हैं, तो आइए देखते हैं मोर्टाइज गेज के पार्ट्स, वर्किंग, इसे इस्तेमाल करने का तरीका किस तरीके से होता है। ये पूरा टूल मार्केट से नहीं खरीदा जाता है, हमारे जो कारपेंटर होते हैं, बढ़ई भाई होते हैं, वो इसे खुद बनाते हैं और बनाकर इसका उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं इसे वर्क कैसे करते हैं। ये आपके सामने मोटाइज गेज है जो कि मार्किंग गेज के जैसा ही है। सिर्फ अंतर इतना है कि मार्किंग गेज में ये सिंगल स्ट्रिप होती है और एक पॉइंटर लगा होता है एक सिरे पर और स्ट्रिप लंबी होती है। ये डिस्टेंस के अनुसार रखी जाती है कि जितना है। इसे बोलते हैं बेस, जिसके साइड को साइड पर वुड पर जिस पर मार्किंग लगाते हैं उसके रेफरेंस या उसकी सतह को टच करते हैं। यही मार्किंग गेज में भी था, सिर्फ इस पर अंतर यही है कि इस पर दो स्ट्रिप लगाई जाती है, दो, एक ये है, दूसरे पॉइंटर दूसरे स्ट्रिप पर यह है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इस बेस से एक पॉइंटर की डिस्टेंस और इसी बेस से दूसरे पॉइंटर की डिस्टेंस, दूरी को, और एक पॉइंटर के पॉइंट से दूसरे पॉइंटर के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर हम इसको सेट करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसे कहते हैं मोटाइज गेज। कैसे मार्किंग करते हैं, ये वुड पर ये साइड है, टॉप पर आपको मार्किंग कैसे करते हैं वो दिखा रहे हैं। पहला इस बेस से साइड में हम टच करते हैं इस प्रकार, ये पॉइंटर, ये इसे इस प्रकार पकड़कर हम कुछ लाइन ड्रॉ हो रही है। फिर हम दूसरे पॉइंटर को इस पर रखते हैं, आपको दूसरी लाइन भी ड्रॉ होते हुए दिखेंगे पेंसिल, तो आपको ये सेकेंड लाइन और ये दिख रहे। फर्स्ट पॉइंटर से आपने इस लाइन को ड्रॉ किया, ये पास वाली है, और सेकेंड पॉइंटर से आपने ये बीच से जितना डिस्टेंस, इन दोनों लाइनों के बीच के डिस्टेंस को मोटाइज या मार्क करने के बाद हम मोटाइज ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये डिस्टेंस पे आप जितना भी, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है, अगर कहा जाए तो ये एक लाइन से दूसरे लाइन पे पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने के लिए मोटाइज गेज का इस्तेमाल किया जाता है।